वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम पढ़ेंगे और आप समझेंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आपके कंडीशनल स्टेटमेंट इन जावा। मतलब जावा में कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं जहां आपको बताया जाता है कि इफ क्या है, एल्स क्या है, इसके रिक्वायरमेंट्स हैं, ये क्यों यूज होता है और इसके साथ कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो राइट ओके, तो कोर्स की शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, जहां आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट या फिर दिस रीजन मेकिंग से आप क्या समझते हैं। लाइक इफ और एल्स का क्या क्राइटेरिया है इस जावा कोर्स में या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जहाँ इफ और एल्स का यूज होता है। सो डेफिनेटली आई वांट टू से दैट कि अगर आपको कहा जाए कि डिसीजन लो कि आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना है या इस कॉलेज में, तो आप क्या सोचोगे। तो ये एक डिसीजन मेकिंग हुआ कि ये आप एक एनालाइज करोगे कौन सा बेटर है कॉलेज और कौन सा कॉलेज बेटर नहीं है, मतलब एक कंपेरिजन होता है राइट। तो अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू जाने तो अगर आप लेट्स सी कि अगर आपको कहा जाए कि आपको इवन नंबर प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे कि आप नंबर डालोगे, इफ का यूज करोगे, नंबर डालोगे, नम इज मॉड्यूल, फिर आप टू लिखोगे, फिर इज इक्वल जीरो राइट। मतलब इसके कहने का मतलब कि अगर आपको जब प्रिंट करना है इवन नंबर प्रिंट करना है, तब आप एक लॉजिक का यूज करोगे जहां पे आपको लॉजिक में डालना होगा कि आपको इवन नंबर प्रिंट करना है। आप ये तो नहीं, आप कंप्यूटर आपका लैंग्वेज तो नहीं समझता डेफिनेटली, तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे ये प्रिंट करवाना है, तुम करके दो। आप ऐसे भी नहीं कि आप स्टेटमेंट को प्रिंट करते जाओगे लाइक 2 4 ऐसे, ये तो नहीं हो सकता, ये तो लॉजिक की बात है। तो यहाँ पे आप करोगे प्रिंट की इफ का यूज करोगे और फिर टू नम के साथ टू मॉड्यूल को 2 और फिर इज इक्वल 0 डालोगे, ठीक है। वो मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगी कि कैसे, काफी 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाऊंगी जिसमें आपको प्रिंट करके बताऊंगी कि आप कैसे कंट्रोल स्टेटमेंट को प्रिंट आउट कर सकते हैं इन जावा में। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मोर अपडेटिंग वीडियोस के लिए बने रहो मेरे चैनल पे, और ऑल चैनल का बेल आइकन का जो ऑल बटन है उसको प्रेस कर देना। तो शुरू करते हैं आपके डिसीजन मेकिंग के कुछ पार्ट जानने इंपॉर्टेंट है जो कि आपको आगे एग्जाम्स में वर्क करता है, ठीक है। तो जावा प्रोवाइड 3 कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट लाइक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस मैंने आपको लूप्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप लूप्स वाले वीडियोस को जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ आइकन में आपको वीडियो का प्लेलिस्ट आ रहा होगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो डिसीजन मेकिंग क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। एज द नेम सजेस्ट डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट decided which statement execute and when। डिसीजन मेकिंग आपको हेल्पफुल करता है, लाइक जैसे आपके डिसीजन मेकिंग नाम से स्टेटमेंट से डिसाइड हो रहा है कि मतलब कि जो स्टेटमेंट है वो डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है कि जो स्टेटमेंट है वो कब एग्जीक्यूट होगा, कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट इसका है इफ स्टेटमेंट, जो कि हम अभी इस वीडियो में देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या है, कैसे वर्क करता है। तो द इफ स्टेटमेंट यूज टू इवैल्यूएट कंडीशन एंड कंट्रोल द प्रोग्राम इज डिवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन अ स्पेसिफिक कंडीशन एंड द कंडीशन ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन boolean values either true and false, and the Java there are 4 types of statement given in below, ठीक है। इफ स्टेटमेंट में भी आपको ये 4 स्टेटमेंट आपके 4 पार्ट्स हैं जो कि आपको गिवन होते हैं, जो कि आप सर्टेन प्रोग्राम में डिफरेंट कंडीशन में आप इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है। सिंपल इफ स्टेटमेंट, इसके सिंटैक्स क्या है, इसके डिफिनेशन क्या है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इट इज द मोस्ट बेसिक स्टेटमेंट अमॉन्ग ऑफ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इन जावा। ये एक बहुत ज्यादा बेसिक स्टेटमेंट है जो जावा में यूज होता है। ये हर टाइम यूज किए जाते हैं यूजर्स के द्वारा, मतलब एक प्रोग्रामर के द्वारा। एंड यार मैं इस सारे स्टेटमेंट जो भी सिंटैक्स है उसको मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको सारे डिटेलली करवाऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस वीडियो में हम आपको फुल क्लियर आउट करेंगे। तो इफ स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है, मतलब कुछ इस तरीके से। इफ, उसके बाद ये कंडीशन है, कंडीशन बॉक्स है जहां आप अपने कंडीशंस को लिख सकते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको जो भी पार्ट होगा वो आप एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, या प्रिंट करवाने के लिए जो भी आप चाहते जो भी वो प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक। तो कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, हम कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जहां आपको बताया जाएगा कि ये इफ स्टेटमेंट को कैसे वर्क किया जाता है एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये student.java करके एक फाइल मैंने बना रखा है जहां मैंने आपको बता रखा है कि ये स्टेटमेंट आपको प्रिंट करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेती हूँ ताकि आप लोग को प्रिंट आउट करके दिखाने में मुझे इजी हो, ठीक है। तो स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो हम अपने स्क्रीन पे आ गए हैं और हम यहाँ पे ये पेस्ट करेंगे और शायद रन करके चेक करेंगे कि ये प्रिंट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने रन कर रहा है और ये प्रिंट हुआ, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ कि इसके कहने का क्या लॉजिक था और ये क्या है। तो बेसिकली मैंने एक इंट लिया है जिसमें मैंने x की वैल्यू को 10 डाला है और यहाँ y की वैल्यू को 12 डाला है। एंड मैंने इफ कंडीशन चलाया है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये दोनों प्लस होने के बाद 20 से बड़ा है, ठीक है। अगर ये बड़ा है तो ये प्रिंट करके दिखाए कि y प्लस x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 20। तो ऑफकोर्स अगर ये ग्रेटर है इसलिए यहाँ 20 प्रिंट करके दिखाया, ठीक है। तो सिर्फ ये इफ कंडीशन के लिए यूजेबल था, ठीक है। तो अब हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं जहां आगे के कंडीशंस को देखेंगे, कंट्रोल जो भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं उनके और भी पार्ट्स को देखेंगे जहां आपको और भी आगे एग्जांपल्स के साथ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी एग्जांपल को बात करते हैं। इफ और एल्स। इफ का मतलब होता है अगर, ठीक है, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। एंड एल्स मतलब अगर ये नहीं तो ये, ठीक है। लाइक हमारे पास जब भी दो ऑप्शंस होते हैं तब हम ये चूज करना चाहेंगे। ऑब्वियसली एक ही चूज हो पाता है, कभी हम लोग डिसीजन लेने में कोई दो चीज को भी ऑप्शन में नहीं ला सकते, मतलब दो ऑप्शंस होते हैं तो कम से कम एक ही चूज हो पाता है, ठीक है। तो इफ और एल्स का मतलब ये नहीं तो ये, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रिंट करके दिखाया था कि अगर ये दोनों के प्लस के अकॉर्डिंग 20 बड़ा है तो ये ग्रेटर प्रिंट करके देगा। तो इसी में अगर हम एल्स का यूज करें तो हम यहाँ पे ये भी डाल सकते हैं कि अगर एक्स प्लस वाई इज नॉट लेस देन, मतलब लेस देन है 20 से, तो ये स्मॉल प्रिंट करके दे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेटर प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ इफ का यूज किया था, और जब हम एल्स का यूज करेंगे तब हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे दो स्टेटमेंट को कैसे रन करते हैं, ठीक है। तो यही डिफरेंस है कि अगर हम इफ का यूज करते हैं तो ये एक ही स्टेटमेंट प्रिंट कर पाते हैं। लाइक अगर हम दो प्रिंट नहीं कर सकते हैं कि ये ग्रेटर ही कर सकते या तो स्मॉल ही कर सकते। तो अब हम बात करते हैं आपके दिस स्टेटमेंट के बारे में, उसके बाद हम एग्जांपल्स को लेंगे। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि ये है क्या। द इफ else statement is extension to if statement which use another block कोड, मतलब कोई अनदर ब्लॉक के कोड को ये एग्जीक्यूट करके आपको बताता है, ठीक है। द एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट इफ द कंडीशन ऑफ द इफ ब्लॉक इज इवैल्यूएटेड एज अ फॉल्स, मतलब एक ट्रू फॉल्स कंसीडर करता है। एक अगर दोनों प्रिंट कभी नहीं हो सकता, ठीक है। अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू आपको बता रहा है तो ये एल्स ऑटोमेटिक रॉन्ग बता देगा। अगर इफ मतलब एल्स वाला एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये आपको ऑटोमेटिकली पहले इफ पे देखेगा और रॉन्ग शो करेगा, तो फिर वो एल्स पे जाएगा और एल्स चेक करेगा कि ये भी ट्रू है या नहीं, मतलब ये ट्रू और फॉल्स का कंडीशन है। तो हम भी इसको प्रिंट कॉपी करते हैं और हम ले चलते हैं, इसको भी प्रिंट करके दिखाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तो इस वीडियो के लास्ट तक मैंने आप लोग को ये सारी चीजें बता दी जहां मैंने आपको बताया कि कंट्रोल स्टेटमेंट को कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पॉजिटिव कोर्स के साथ, ताकि आप लोग को भी वीडियो देखने में बहुत मजा आए। इसलिए बाय बाय।